नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिज़लो टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बिज़लो टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और बिज़लो टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बिज़लो टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बिज़लो टैबलेट शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है और मांसपेशियों के दर्द, मांसपेशियों की जकड़न, मांसपेशियों की कठोरता और मांसपेशियों की ऐंठन से राहत दिलाती है। सेरिब्रल पॉल्जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रीढ़ की हड्डी या सिर में चोट लगने की वजह से और अन्य नर्वस सिस्टम की बीमारियों की वजह से मांसपेशियों में जकड़न, ऐंठन, कठोरता और दर्द होने की समस्या हो सकती है। बिज़लो टैबलेट शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स करके मांसपेशियों की जकड़न, कठोरता, ऐंठन और दर्द से राहत दिलाती है। बिज़लो एक ब्रांड नेम है। बिज़लो टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन बैक्लोफेन होता है। बिज़लो टैबलेट 10 mg, 20 mg, 25 mg व 30 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बिज़लो टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बिज़लो टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, उल्टी आने का मन होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, त्वचा पर रैशेस, मुंह में सूखापन होना, पसीना अधिक आना और पेशाब के लिए बार बार जाना आदि साइड इफेक्ट्स बिज़लो टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बिज़लो टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। वैसे बिज़लो टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बिज़लो टैबलेट को लेने के बाद उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बिज़लो टैबलेट को खाना खाने के बाद या दूध के साथ बिज़लो टैबलेट को लेना रिकमेंडेड होता है। शुरुआत में डॉक्टर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को बिज़लो 5 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर डोज को बढ़ाकर बिज़लो 10 mg टैबलेट को भी दिन में 3 बार या बिज़लो 20 mg टैबलेट को भी दिन में 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर बिज़लो टैबलेट की सस्टेन्ड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट को दिन में केवल एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। सस्टेन्ड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट शरीर में धीरे धीरे घुलती है और सस्टेन्ड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का असर लंबे समय तक रहता है। बिज़लो टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको बिज़लो टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि बिज़लो टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बिज़लो टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और बिज़लो टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिज़लो टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बिज़लो टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए बिज़लो टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर स्तनपान करा रही महिलाओं को बिज़लो टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बिज़लो टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे बैक्लोफेन आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को बिज़लो टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बिज़लो टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।